क्या हाल है बेटा दानिश? डॉक्टर्स कह रहे हैं क्रिटिकल है, कुछ कह नहीं सकते। आप लोग क्यों आए आप लोग यहां? किसने इत्तला दी है इन्हें? क्या चाहते हैं आप लोग? मेरे बच्चे की जो हालत है ना, वो आप लोगों की वजह से। अब क्या उसकी जिंदगी छीनना चाहते हैं? बस कर दे मॉम, इस तरह की बातें ना करें। तुम चुप करो। बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं क्या कर रही हूं। और आप तो उसे घर आकर बातें सुनाकर गए थे ना। और आपकी बेटी, वो तो खुला लेना चाहती थी उससे। फिर आप क्या करने आए? जिंदगी अजाब कर दी मेरे बच्चे की। पेशेंट यहां पर शोर नहीं करे। तुम जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारा घर नहीं है कि यहां हंगामा कर रही हो? ये अस्पताल है, यहां क्या असूल है कुछ? वहां तुम्हारा बेटा मौत और जिंदगी कश्मकश में मुब्तला है, और बजाय इसके कि तुम उसके लिए दुआ करो, तुमने सारा तमाशा मचा रखा। अब अगर एक लफ्ज भी तुम्हारी जबान से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बैठो यहां। मॉम की तरफ से मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं। उनकी बातों का बुरा ना मनाइएगा, वो दानिश को लेके बहुत अपसेट है। दानिश कहाँ है? मुझे मिलना है उनसे। इस वक्त हम नहीं मिल सकते, उनका ऑपरेशन चल रहा है। किस चीज का ऑपरेशन? स्पाइनल कॉर्ड का, क्रिटिकल सिचुएशन है। हौसला करो बेटा, हौसला करो। ये वक्त दुआ करने का है। पता नहीं इस वक्त किसकी दुआ कबूल हो जाए कि मेरे बेटे की जिंदगी बच जाए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अल्लाह के वास्ते मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, उससे जो भी खता सतत हो गई, और उसके लिए दुआ कीजिए, शायद आपकी दुआ से उसे सेहत मिल जाए। आज मैंने अपने बेटे को जिस हाल में देखा है, परवरदिगार कभी किसी बाप को इतना न दिखाए। हौसला रखे अकरम साहब, दानिश ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हौसला करें।